सबसे पहले वो जो बात है कि भाई आपका ग्रोथ जो है देश स्वास्थ्य भी रहना चाहिए और इकोनॉमी भी का भी स्वास्थ्य बना रहे तो उस एंगल से राष्ट्र के हित में ही है तो उनमें जो सबसे पहला पिलर है आपका मेडिकल हेल्थ केयर पे तो उस पर इन्होंने अच्छा बजट पे अच्छे खासा एक्सपेंडिचर अलोकेशन किया है जिससे कि कोरोना वैक्सीन के लिए भी अच्छा खासा एलोकेशन है और बाकी की अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल की जाएंगी तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है स्टार्टअप्स को बूस्टअप करने के लिए जो एक साल अभी 31 मार्च को वो ईयर एंड खत्म हो रहा था फाइव साल फाइव ईयर्स की टैक्स होलीडे उसको भी एक साल के लिए एक्सटेंड किया है इम्पोर्ट ड्यूटी पे कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई हैं तो उसका मकसद भी यही है कि कहीं ना कहीं इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करके वोकल फॉर लोकल के लिए इनक्रेज करें बजट को एलोकेशन करना है इतना इतना खर्चे अगर करने हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना था फिर भी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा बर्डन हम लोगों के ऊपर नहीं डाला और कम से कम कॉरपोरेट्स पर तो नहीं ही डाला नमस्कार मैं मोहित और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ इस वक्त जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित्तीय वर्ष दो हज़ार का आर्थिक बजट कल संसद में डिजिटल माध्यम से पेश कर दिया गया है इसी बजट पर ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री जयप्रकाश रावर जो पेशे से टैक्स एक्सपर्ट हैं और द्वारका में आपकी खुद की एक कंपनी भी चलाते हैं सर आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर नमस्कार थैंक यू हाँ जी मोहित इस बजट को अगर हम अपने दर्शकों को एक आम ले की भाषा में बताना चाहें तो सर आप क्या मुख्य बातें बताना चाहेंगे देखो बजट दोनों वे से हैं अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो छह पिलर होते हैं किसी भी एक अच्छे टैक्सेशन के लिए या गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो उनमें जो सबसे पहला पिलर है आपका मेडिकल हेल्थ केयर पे तो उस पर इन्होंने अच्छा बजट पे अच्छे खासा एक्सपेंडिचर अलोकेशन किया है जिससे कि कोरोना वैक्सीन के लिए भी अच्छा खासा एलोकेशन है और बाकी की अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल की जाएंगी तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है बाकी दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एक्ट के जो स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन में इन्होंने जो चेंजेस किया तो उसकी वजह से कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए उनको कुछ बहुत सारे कंप्लायंसेस कम होंगे छोटी कंपनी होने के नाते सर इस बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण दावा कर रही थी कि यह जो बजट है वो आत्मनिर्भर भारत की और एक आ... बढ़ता हुआ कदम है तो इस पे सर आप इसे कैसे देखते हैं उसी एंगल से ना कि जैसे कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन चेंज कर दिए हैं जहाँ पे 20 करोड़ से ज़्यादा की अगर टर्नओवर है तो भी वो स्मॉल कंपनी जाएगी इससे पहले केवल वो लिमिट दो करोड़ रुपए थी ऐसे ही या कंपनी के कैपिटल की ऑथोराइज कैपिटल जो है वो केवल पचास लाख से ज़्यादा की कंपनीज़ के लिए भी स्मॉल कैपिटल की डेफिनेशन में आती थी अब वो भी लिमिट बढ़ा दी है इन्होंने एक करोड़ से ज़्यादा की कर दिया है सिमिलरली स्टार्टअप्स uh, को बूस्टअप करने के लिए जो एक साल अभी 31 मार्च को वो ईयर एंड खत्म हो रहा था फाइव साल फाइव इयर्स की टैक्स होलीडे उसको भी एक साल के लिए एक्सटेंड किया है तो एक तरीके से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना कंपनीज़ को बढ़ावा देना तो एक तरी सेल्फ डेवलपमेंट चाहे आप एजुकेशन सेस में भी इन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई हैं तो उसका मकसद भी यही है कि कहीं ना कहीं इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करके वोकल फॉर लोकल के लिए इनक्रेज़ करें सर इस बजट पर कांग्रेस का कहना है कि यह है एक भूखे हाथी को एक छोटे घास के देने के समान है तो इसको आप क्या देखते हैं नहीं तो वो तो देखो अपोजिशन है अपोजिशन ने तो चाहिए यही बजट अगर कल को कांग्रेस निकाल रही हो तो बीजेपी भी कुछ ऐसी बोलती तो वो इस पर तो कुछ कह नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता इस चीज़ में इस बजट से सर कॉरपोरेट जगह खुश है लेकिन एक आम आदमी नहीं ऐसा क्यों कहा जा रहा है कॉर्पोरेट्स के लिए जो आपका स्टार्टअप्स को बूस्टअप है टैक्सेशन में कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला टैक्सेशन रेट सेम रहे तो नेचुरली क्योंकि इतना बड़ा जो लॉकडाउन पीरियड रहा तीन महीने और इकोनॉमी का ग्रोथ तो ऑलमोस्ट स्टॉप ही है ना पिछले आठ छः महीने से तो लगभग बंद है इकोनॉमी तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो गवर्नमेंट को अपने खर्चे भी बजट को एलोकेशन करना है इतना इतना खर्चे अगर करने हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना था फिर भी उन्होंने कोई एक्स्ट्रा बर्डन हम लोग के ऊपर नहीं डाला और कम से कम कॉरपोरेट्स पे तो नहीं ही डाला दूसरा जीएसटी में भी कुछ अच्छे सुधार लाने के, के जो इनके प्रयास हैं तो उसकी वजह से अल्टीमेटली वो कॉरपोरेट जगत के लिए एक अच्छा बजट कह सकते हैं हम इसको सर इस बजट में हम देखें जिस तरीके से इम्पोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पर जिस तरीके से सीमा शुल्क बढ़ाया गया है सर इसे आप कैसे देखते हैं नहीं तो उसमें साथ ही कुछ चीज़ों पे वही बात होगी ना कि इम्पोर्ट्स को डिसक्रेज करना है कुछ चीज़ों में जो कि हम इंडिया में अपने लोकली बना सकते हैं तो उसी जो इनका एक नारा रहा है कि वोकल फॉर लोकल तो उसी को सपोर्ट करते हुए ये चीज़ का उसी डायरेक्शन में एक कदम है ड्यूटी को अगर हम इस बजट में शराब और पेट्रोल और डीजल को देखें तो इस पर सरकार ने दो से दो दशमलव तो, हाँ। तो नहीं एक्चुअली पेट्रोल पे अगर एक्स्ट्रा सेस लगाया है एग्रो सेस तो उसमें कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी उसी पे कस्टम ड्यूटी कम भी कर दिया तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा कस्टमर्स को हम लोगों के लिए पेट्रोल के रेट में उस इस चीज़ की वजह से कोई चेंजेस नहीं आएगा कस्टम ड्यूटी कम कर दी परपोर्शनेटली उसी एंगल से ऐसी कुछ दूसरी चीज़ों पे अगर कस्टम ड्यूटी ऐड भी किया है सेस एग्रो सेस जो है बहुत सारी कुछ और चीज़ों में ऐड किया है तो कुछ चीज़ों पे नहीं भी उन्होंने बढ़ाया कोई कस्टम ड्यूटी तो ओवरऑल न्यूट्रल है सर इस बजट के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और एम यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये जो बजट है ये राष्ट्र इसमें शामिल होगा और राष्ट्र को बढ़ावा देगा जहाँ तक कि हम पहला जैसा कि देखते हैं कोरोना काल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है माइनस में चली गई थी तो सर ये क्या वाकई में राष्ट्र में एक बड़ा कदम है देखो फिर वही बात आ गई कि इतने सारे सिस्टम में जहाँ इकोनॉमी में बिल्कुल इतनी ख़राब हालत थी जहाँ हमारी ग्रोथ होने की कोई उम्मीद नहीं थी एक तो इन्फ्लेशन को रोक रोका हुआ है इतना महंगाई नहीं बढ़ी नहीं तो ऐसी सिचुएशन में तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकता था दूसरी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले वो जो बात है कि भाई आपका ग्रोथ जो है देश स्वास्थ्य भी रहना चाहिए और इकोनॉमी भी का भी स्वस्थ बना रहे तो उस एंगल से राष्ट्र के हित में ही है क्योंकि बजट में कोई चीज़ें बढ़ी नहीं है आपको हर चीज़ों का टैक्स रेट सेम रहा है इनफैक्ट कई चीज़ों में डायरेक्ट टैक्स में अगर हम देखें रेट नहीं बढ़े दूसरी चीज़ें कि डायरेक्ट टैक्स में अभी इन्होंने जहाँ स्क्रूटनी के लिए फेसलेस असेसमेंट तो हो ही गया और उसमें एडिशन ये हो गया कि तीन साल के बाद इनकम स्केपिंग असेसमेंट के लिए केस पिक नहीं किए जाएंगे पहले जो लिमिट छः साल तक थी उसको रिड्यूस करके थ्री इयर्स कर दिया उसका बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट है कि आपके टैक्स की चोरी वैसे ही कम हो जाएगी तीन साल के अंदर ही टैक्स की चोरी अगर किसी ने की भी तो पकड़ी जाएगी तो फिर छः साल की ज़रूरत ही नहीं है तो ये रिडक्शन ये इससे एक पॉजिटिव ये है कि भाई आपको एटलीस्ट आफ्टर थ्री ईयर्स इतने ज़्यादा टेंशन में नहीं रहने की ज़रूरत है कि भाई आपका केस कभी भी स्क्रूटनी में आ सके तो सर के जैसा कि हमें समझाया कि ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं देश के हित में है और जिस तरीके से इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाकी देखिए बजट में हमेशा हर चीज़ तो पॉजिटिव नहीं हो पाती है कहीं कोई एक दो चीज़ें हैं जो हमारा चाहे एज ए चार्टड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशंस गई थी उनमें कुछ चीज़ों को देखा नहीं भी गया और हो सकता आगे आने वाले टाइम में कोई चीज़ें जहां समझ में आती हैं और ये गवर्नमेंट का ये हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है कि अगर कोई चीज़ छूट गई बाद में रिप्रेजेंटेशंस आया अगर ज़रूरत पड़ी कि उसमें करना चाहिए तो करते हैं तो वी होप कि जो एक दो कमियाँ रही भी हैं या आगे हमारे ऑब्जर्वेशनस में आती हैं हम लोग अगर रिप्रेजेंटेशंस करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल लुक इन टू दो, दो थिंग्स तो उसकी बारीकी में अभी जाने की जरूरत नहीं है तो हमें देखना आएगा कि दूसरी तिमाही के फाइनेंशियल 2021-22 में क्या रिज़ल्ट आते हैं ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहें ओ न्यूज़ धन्यवाद